डिसोल्यूशन और सोलिबिलिटी सेम है क्या? आपके मन में भी ये सवाल कई बार आया होगा, तो आपने इस सवाल का जवाब को ढूंढने के लिए ये वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिसोल्यूशन और सोलिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ही साइंस डाउट रिलेटेड वीडियोज़ और साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन एंड द सोलिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू नो द व्हाट इज़ द डिसोल्यूशन एंड व्हाट इज़ द सोलिबिलिटी। तो अपन सबसे पहले सोलिबिलिटी की और डिसोल्यूशन की डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो डिसोल्यूशन इज द डायनामिक प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ सॉलिड गोज टू अ सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। मतलब जो अपना ड्रग है, सॉलिड है, पार्टिकल्स, उसको सॉल्वेंट में जाने में और सॉल्यूशन बनाने में कितनी देर लग रही है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की डेफिनेशन मैं जब तक लिख रहा हूँ, तब तक अपन ये समझ लें कि डिसोल्यूशन निकालते क्यों हैं, डिसोल्यूशन ज़रूरी क्यों है। तो डिसोल्यूशन बहुत ज़रूरी है इन सेंस ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर हर ड्रग का डिसोल्यूशन निकाला जाता है। डिसोल्यूशन इसलिए निकाला जाता है कि अगर उसका डिसोल्यूशन अच्छा है तो उसकी सोलिबिलिटी अच्छी होगी, मतलब स्टमक में जाके वो डिसोल्व अच्छे से हो जाएगी और फिर उसका एब्जॉर्बेंस अच्छे से आ जाएगा। और डिसोल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है एब्जॉर्बेंस को, और एब्जॉर्बेंस इफेक्ट करती है बायोअवेलेबिलिटी को। तो बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन को चेक करने के लिए डिसोल्यूशन को चेक करना पड़ता है। डिसोल्यूशन जो USP अपरेटस से IPC उसका सोल्यूशन है, मैं अगर आपको उसका प्रोसीजर है आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। तो डिसोल्यूशन निकाल लेते हैं, USP बास्केट और पेडल टाइप से डिसोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो डिसोल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच द ड्रग डिसोल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड अ डिसोल्यूशन। ठीक है, इस इज अ डायनामिक प्रोसेस। और जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो डिसोल्यूशन का आउटकम होता है, मतलब जब ड्रग डिसोल्व होगी तभी तो सॉल्युबल होगी ना, तो सॉल्युबिलिटी इज द आउटकम ऑफ द डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी को ऐसी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, इसको भी सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी का एक स्टैटिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन के अंदर एक सरफेस लेयर डिसोल्व होती है, फिर वो दूसरे सॉल्वेंट में ट्रेवल करती जाती है, लेकिन जब सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर ड्रग को डिसोल्व कर देते हैं। तो अपन उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटीज के भी पैरामीटर IP के अंदर दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल साइज अगर कितने में डिसोल्व हुए, जैसे फ्रीली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। अगर जैसे वेरी सॉल्युबल का लिए कंडीशन क्या है, एक पार्टिकल लेस देन 1 ml के अंदर डिसोल्व हो जाए तो उसको बोलते हैं कि ये वेरी सॉल्युबल है। ऐसे IP के अंदर बहुत सारे, उसके अंदर वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, वेरी फ्रीली सॉल्युबल, स्पेयरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, अलग अलग उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं और अलग अलग उसका अमाउंट दिया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी अपना स्टैटिक प्रोसेस हो जाता है और डिसोल्यूशन डायनामिक प्रोसेस हो जाता है। डिसोल्यूशन निकालने के लिए आप डिसोल्यूशन अपरेटस यूज़ करते हैं, और सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए तो आप सिंपल टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेके उसके अंदर ड्रग डिसोल्व करके सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए। अगर ड्रग सॉल्युबल होगी तो वहाँ से पता चल जाएगा अपन को। तो चलिए अब डिफरेंस शुरू करते हैं। तो एक साइड अपन ने डिसोल्यूशन लिख लिया, एक साइड अपन ने सॉल्युबिलिटी लिख लिया। तो आपको इतनी बार बता ही चुका हूँ कि डिसोल्यूशन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक क्यों कह रहे हैं कि इसमें जब एक लेयर डिसोल्व होती है उसके आउटर लेयर, फिर वहाँ से सॉल्वेंट ट्रेवल करते हुए अलग लेयर में चली जाती है। तो ऐसे अलग अलग लेयर डिसोल्व होती जाती हैं, अलग अलग बिल्कुल आगे जाती जाती है। तो इससे क्या डिसोल्यूशन निकल जाता है, वही डिफरेंट फिक्स RPM पे डिसोल्यूशन को परफॉर्म करते हैं एट फिक्स टेम्परेचर, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो डिसोल्यूशन निकालने के लिए एक मीडिया भी लग जाता है, ये सब हो जाती है डायनामिक प्रोसेस। और सॉल्युबिलिटी आपको बता ही दिया कि बीकर लो, टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग लो, सॉल्वेंट लो, उसको डिसोल्व करके सॉल्युबिलिटी निकाल लो। फिर इसके बाद एक और डिफरेंस है, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन में आपको बता दिया कि एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट टू फॉर्म अ सॉल्यूट। और डिसोल्यूशन को क्या निकालते हैं, डिसोल्यूशन टाइम के कंडीशन में निकालते हैं, मतलब कितने टाइम में कितनी ड्रग डिसोल्व हो रही है। ठीक है, और जब सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो देखते हैं कि कितना ड्रग ऑफ अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितनी ड्रग लग रही है। और ठीक है,
और जो डिजोल्यूशन होता है वो नॉइज़ विटनी को इक्वेशन को फॉलो करता है। नॉइज़ विटनी इक्वेशन से अपन डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट लेयर को निकाल सकते हैं। नॉइज़ विटनी के इक्वेशन में मतलब इसकी इक्वेशन रहती है dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ऑयल इन वाटर इंटू ए डिवाइडेड बाई वी इंटू एच सी एस माइनस सी बी। तो इधर जो ओ बाई डब्ल्यू है मतलब जो अपना ड्रग है उसके वाटर में कितनी सोलबिलिटी और ऑयल में कितनी सोलबिलिटी उसका रेशो देखा जाता है। सर्फेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, हाइट कितनी, जो लेयर्स हैं डिफरेंट लेयर्स उनकी हाइट कितनी है। और सी एस है कंसनट्रेशन डिफरेंस, मतलब एक लेयर में कितना कंसनट्रेशन है उसके दूर लेयर दूर वाली लेयर में कितना कंसनट्रेशन है। तो ये नॉइज़ विटनी इक्वेशन जाती है, इससे अपन डिसोल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसे जो अपन जब सोलबिलिटी निकालते हैं तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती है और इसके अंदर कोलिजेटिव प्रॉपर्टीज जो देखते हैं, जैसे वो फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें एलिवेशन और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ सॉल्युबिलिटी देखने के डिफरेंस टाइप के पैरामीटर हैं। और जब डिसोल्यूशन निकालते हैं तो जैसे जब सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो मोल पर डिसोल्यूशन निकालने के लिए मोल्स पर सेकेंड लगते हैं और इसमें मोल्स पर केजी, जब सोलिबिलिटी निकालते हैं तो इसमें मोल्स पर केजी निकालते हैं। और चलिए अब शुरू से आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके एक सॉल्यूशन बनाता है। और सोलिबिलिटी क्या होती है, आउटकम ऑफ द डिसोल्यूशन होता है। और इसके अंदर जब तक इसमें देखते हैं कि कितनी ड्रग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रही है। डिसोल्यूशन डायनामिक प्रोसेस है, सोलिबिलिटी स्टैटिक प्रोसेस है, डिसोल्यूशन नॉइज़ विटनी इक्वेशन फॉलो करती है, सोलिबिलिटी रॉयल्ट्स लॉ फॉलो करती है, इसके अंदर सोलिबिलिटी में कोलिजेटिव